स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग में आउटसोर्स बेसिस पर होने वाली भर्तियों की। 119 पद यहाँ पर भरे जाने वाले हैं और यहाँ पर आप अपना आवेदन डायरेक्ट नहीं कर सकते। कैसे आपको यहाँ पर अपना अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप बेरोजगार हैं और आपको नौकरी की जरूरत है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक टेस्ट को क्रैक करके 30 से 40 लाख रुपए का पैकेज ले सकते हैं। और मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा आप देख लीजिए। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आज की जॉब नोटिफिकेशन की। टोटल 119 पद भरे जाएंगे। पहली पोस्ट यहाँ पर रहेगी कंसल्टेंट की, इसका एक पद भरा जाएगा और इसके लिए आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए या आप एमबीए होने चाहिए। और सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी 35,000 रुपीज से लेकर 37,000 रुपीज, और यहाँ पर लिखा है 39,000 रुपीज। तो मैं आपको कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी यह जो अमाउंट है यह बताया जा रहा है जो एजेंसी आपको हायर करेगी, मतलब कि जो आउटसोर्स बेसिस पर आपको रिक्रूट करेगी, तो वो आपको इतना ही अमाउंट नहीं देने वाली है, वो अपना भी यहाँ पर प्रॉफिट देखेगी। तो आपकी सैलरी यहाँ पर 35,000 रुपीज के आसपास रहेगी। सेकंड पोस्ट यहाँ पर है कोर फैकल्टी की, एक पोस्ट रहेगी और आप इसके लिए बी टेक होने चाहिए इन सिविल में, और यहाँ पर सैलरी आपकी है 29,500 रुपीज़। तो आप यहाँ पर भी 3 से 2 हज़ार रुपये कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है कोर फैकल्टी, इसके दो पद भरे जाएंगे और इसके लिए भी आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए इन सोशल साइंस, या आपके पास मास्टर ऑफ सोशल वर्क या एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है आईटी फैकल्टी की, दो पद भरे जाएंगे और इसके लिए आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक होने चाहिए। सैलरी 24,500 रुपीज़ रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है फैकल्टी ऑफ पंचायती राज एक्ट एंड रूल्स, तीन पोस्ट रहेगी और इसके लिए आप पीजी डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस, या आपके पास मास्टर ऑफ सोशल वर्क और आपके पास एमबीए होना चाहिए, मतलब कि इनमें से कोई भी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पर आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। सैलरी 24,500 रुपये आपको यहाँ पर दी जाने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की, इसके तीन पद भरे जाएंगे। इसके लिए आपके पास पीजी डिग्री इन सोशल साइंस और मास्टर ऑफ सोशल वर्क या एमबीए या आपके पास होना चाहिए, मतलब कि इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सैलरी 22,000 रुपये। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसके 93 वैकेंट पद भरे जाने वाले हैं। यहां पर हर एक ब्लॉक में एक पद भरा जाएगा, मतलब कि 81 ब्लॉक आई थिंक है जिनमें कि ये पद भरे जाने वाले हैं। इसके अलावा 12 जिलों में एक एक पद भरा जाएगा। इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास एक साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है मल्टी टास्क एम्प्लॉय, तो इसके 13 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और 12,500 रुपये सैलरी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आपको आवेदन नहीं करना है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में यह मत लिखिए कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, अप्लाई कैसे करना है। तो आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप जरूर लिखेंगे, तो मैं आपको आगे नहीं बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी टेंडर होंगे, जिस कंपनी को टेंडर जाएगा तो वो यहाँ पर हायर करेगी। तो आप यहाँ पर अपनी नज़रें गड़ा के रखिए कि टेंडर किसको मिला है, तो जिसको मिला है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पर हायर कर सकता है। आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप घर बैठे काम कर सकते हैं और घर बैठे आप टेस्ट के लिए अप्लाई करके अपनी नौकरी पा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर उस लड़के को बताऊँगा जिस लड़के का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। मिडिल क्लास फैमिली से आता है और सिर्फ 4 लोग उसकी फैमिली में है और वो अभी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ना ही ग्रेजुएट है, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। हार्डली 19-20 साल का वो लड़का है और उसका पैकेज 42 लाख रुपीज। आप उसको खुद देख लीजिए, मैं उसकी एक क्लिप लगा रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए कि उसका रिएक्शन और उसकी फैमिली का रिएक्शन किस तरह से यहाँ पर है जब उसको यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है। एज अ स्मॉल चैलेंज बाय अ फ्रेंड इन 8th स्टैंडर्ड चेंज माय लाइफ एंड पुट मी ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ बैकएंड डेवलपर। हाय, my name is Tanishk and I'm from Kanpur and I'm pursuing BTech in computer science and engineering from PSIT Kanpur. I have 4 members in my family, my father, my mother and my younger sister. My father is a lawyer, my mother is a principal and my sister is in school. Tanishk bachpan se hi bahut hard working raha hai, mera aur inke papa ka bahut sahyog raha hai aur isne padhai mein bhi bahut mehnat kari hai, din raat laga rehta tha. Hamara aur mere pati ka iske sath hamesha aashirwad rahega. जिससे इसका भविष्य उज्जवल हो। In order to complete the challenge, I started learning PHP and MySQL. These were a very popular tech stack at that time. After that, I started learning C++ in order to make a post-quantum messenger. The messenger was named as Quack and it enabled users to communicate in a post-quantum environment. In my entire journey, I was heavily inspired by Elon Musk.
his decision-making abilities and out-of-the-box thinking. His project like SpaceX inspires me the most. I want to contribute the code which runs on different planets. It's like a different feeling. I was not expecting that I'll be one of the highest scorers at re-level test. I was fortunate enough to crack the opportunity at CRED. I'm very excited to start my new journey there. और हाँ, उसको देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है या आप टेस्ट को क्रैक कर जाते हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी के साथ साथ आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच और इसके अलावा बहुत सारे आपको यहाँ पर प्राइजेस दिए जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो में आप देखेंगे कि शुभम को यहाँ पर रीलेवल बाय अनअकैडमी की तरफ से आईफोन दिया गया है और इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स भी यहाँ पर दी गई है। आप इसको चेक कर लीजिए। फोन के पीछे लगाने वाला कप, आईफोन, बुक। देखा आपने कैसे इसकी लाइफ चेंज हो गई है और कैसे इसके फैमिली मेंबर्स खुश है। आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर भी खुश हो सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक आपको मिल जाएगा, सबसे पहले लिखा होगा अप्लाई नाउ फॉर री लेवल टेस्ट। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने री लेवल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको गेट हायर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर अपना टेस्ट चूज करना है, मतलब कि आपके पास कौन सा टैलेंट है, तो आपको उसको टैलेंट देखते हुए कोई भी एक टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास अच्छा मैनेजमेंट स्किल है, आपके पास अच्छा सेल्स का स्किल है, तो आप यहां पर बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर अर्बन कंपनी, अपग्रेड, इस तरह की कंपनीज आपको यहां पर हायर करने वाली है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, लाइक एज आपके पास यहां पर है टेक्निकल नॉलेज, तो आप यहां पर कर सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट। और इसके अलावा आप यहां पर कर सकते हैं वैकेंट डेवलपमेंट टेस्ट। यहां पर आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी 8 लाख रुपए पर एनम, जो कि आपकी फिक्स्ड रहने वाली है। और अगर आप अप्लाई करते हो यहां पर बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट के लिए, तो आपकी यहां पर इनिशियल सैलरी रहेगी 5 लाख रुपए पर एनम। तो अब आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको टेस्ट के बारे में यहां पर सब कुछ बताया गया है, तो आपने वो पूरा चेक करना है कि टेस्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। लास्ट में आपको यहां पर क्या करना है कि बुक योर फ्री स्लॉट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहां पर एक इंटरफेस आ जाएगा, मतलब कि आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर फिट करना होगा। मोबाइल नंबर फिट करना है आपको यहां पर, आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आपको यहां पर वो फिट करना है और अपना फॉर्म फिल करना है, साइन अप फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और आपने किसी एक डेट को चूज करना है। डेट को चूज करने के बाद आपने यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और आपका स्लॉट यहां पर बुक हो जाएगा। जल्दी कीजिए।